तो दोस्तों बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी छोटे मियां बड़े मियां का टीजर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर टीजर का मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और टीजर सुपर से भी ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में जो स्टोरी दिखाई जाएगी वो एक अलग ही लेवल का रहेगा। हालांकि एक्शन वगैरह इस मूवी में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और मैं सच बताऊँ ना तो टाइगर श्रॉफ जैसी मूवी डिजर्व करते हैं ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वैसी ही मूवी है। अक्षय कुमार की फिल्म में सेल्फी आई थी तो उसका लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था उसके बजट का, और जो है मतलब अक्षय कुमार का सेल्फी मूवी से बहुत ज़्यादा मजाक बन रहा था। लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारी है ये मूवी का टीजर जो उनका मजाक बनाया था। अक्षय कुमार एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनका हर एक कंटेंट ज़बरदस्त होता है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ का जो टीज़र रिलीज़ किया गया वो बहुत ही अच्छा है। अगर टीज़र के बारे में बात करें तो दोस्तों पहले पृथ्वीराज सुकुमारन के वॉइसेस की शुरुआत होती है जहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हाँ फ्यूचर वगैरह का भी हो सकता है इस मूवी में कुछ सीन दिखाया जाए। बीएफएक्स वगैरह ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी बीएफएक्स यूज़ किया गया है वो कमाल का है। वहीं फिर बाद में हमें जो है दिखाया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्क वगैरह लगाए रहते हैं, और कुछ हमें लोकेशन वगैरह का सीन दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कश्मीर वगैरह है जहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। उसके बाद बम जो है बम से उड़ा दिया जाता है कार को एक सीन में दिखाया गया है टीजर में ही, सबसे पहले ही दिखाया जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन का सीन दिखाया जाता है, फिर टाइगर श्रॉफ और जो है अक्षय कुमार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डायलॉग्स बोलते हुए नज़र आते हैं, और जो डायलॉग्स बोला गया है वो कमाल का है। और खासकर मुझे टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अक्षय कुमार की भी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया लगी है, और स्टंट वगैरह इस मूवी में बहुत ज़्यादा रहेंगे। टीजर में देखने पे ही पता चल रहा है कि एरोप्लेन और बाइक वगैरह से जो स्टंट वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, एक्शन वगैरह रहेंगे। ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी होने वाली है और ईद 2025 में ये थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। हालांकि बीच में इसका पोस्टर भी रिलीज़ किया जा रहा था, छोटे मियाँ बड़े मियाँ का बीच में पोस्टर भी आ रहे थे, लेकिन पोस्टर देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जो फिल्म है कुछ इस लेवल की होने वाली है। हालांकि इतना हाइप भी नहीं बनी थी फिल्म को लेकर, लेकिन जिस हिसाब से इसका टीज़र आया ना, तो टीज़र सच बता रही हूँ लिटरली सबके होश उड़ गए हैं। उम्मीद नहीं लगाई गई थी कि टीज़र कुछ इस लेवल का होने वाला है। हालांकि अब टीज़र रिलीज़ होने के बाद छोटे मियाँ बड़े मियाँ को लेकर जो हाइप बनी है ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। फिलहाल तो ट्रेलर इसका ज़बरदस्त होना चाहिए और मूवी अगर बढ़िया निकल गई ना तो कमाल की बात तो ये है कि ये अपने ओपनिंग डे में बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। वैसे इस टीज़र के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का ये कहना है कि ये मूवी 1000 करोड़ से भी पार जाने वाली है। हालांकि ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि फिल्म का बजट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। वैसे अगर सच बताऊँ ना तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ एक ऐसी मूवी नहीं है कि मतलब ऐसा लगे कि किसी मतलब एक्टर को जो है और भी ज़्यादा फेमस करने के लिए फिल्में बनाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, टाइगर श्रॉफ जैसे कि उनकी फिल्में बहुत सारी आई हैं हीरोपंती वगैरह, तो वो एक एक्शन हीरो हैं तो उनको रोमांटिक और लव स्टोरी फिल्में ना दी जाए तो ज़्यादा बेटर हैं। वो इस फिल्म के लिए एकदम बेटर रहेंगे, खासकर इसके कंटेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया है। फिल्म बनाने वाले जो है बहुत अच्छे हैं कि मतलब फिल्म को इस लेवल का बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मूवी में ना किया जाए, हीरो पर फोकस ना किया जाए, इसके कंटेंट पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मतलब टीज़र देखने पे थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इंडिया पाकिस्तान वाली शायद स्टोरी हो सकती है, तो अगर ऐसा ना हो फिल्म में ये सारी चीज़ें अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया पाकिस्तान वही हर फिल्म में दिखाया जाता है, तो इस फिल्म में इन सब चीज़ों पर ना फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये मार्स मूवी होने वाली है, हालांकि ये एक्शन पर फोकस किया जाए, इसका कंटेंट बढ़िया निकला तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ख़ासकर इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन है तो दो एक्टर मतलब दो हीरो के ऊपर तो एक विलेन भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, वो देखने पर ही पता चल रहा है। और इसका एक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया है, बीएफएक्स वगैरह जो भी दिखाया जाएगा जितना भी दिखाया जाएगा कमाल का दिखाया जाएगा, स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। सच बताऊँ तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मैंने सोचा भी नहीं था कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ का टीज़र इस लेवल का मुझे देखने को मिलेगा। हालांकि अब इसके ट्रेलर का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी छोटे मियाँ बड़े मियाँ का टीज़र आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।